सिनेमा के महान अभिनेता और पद्मश्री से सम्मानित मनोज कुमार को हिंदी सिनेमा में देशभक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक भावनाओं को दर्शाने और भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए बॉलीवुड के WBR गोल्डन एरा सम्मान के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार आखिरी बार 1995 में फिल्म मैदान जंग में नजर आए थे। मनोज कुमार को ये पुरस्कार सुप्रीम कोर्ट के वकील और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष संतोष शुक्ला, उपाध्यक्ष उस्मान खान और प्रोफेसर राजीव शर्मा ने दिया। इससे पहले मनोज कुमार को भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया था। आपको बता दें कि मनोज कुमार को देशभक्ति की फिल्मों से जाना जाता है। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में, क्रांति, उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। हाल ही में इस संस्था ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को भी भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित होने के बाद मनोज कुमार को PM नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लता मंगेशकर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे कई दिग्गज फिल्मी सितारों ने बधाई दी है। मनोज कुमार अपने जमाने के बहुत बड़े कलाकार थे। वे कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी फिल्मों ने एक समय रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया था। मनोज कुमार ने फिल्मों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने की कोशिश की। मनोज कुमार एक मल्टीटास्कर माने जाते थे। वे अपनी फिल्मों में काम करने के अलावा उनका निर्देशन भी करते थे ताकि दर्शकों तक सही भाव पहुंचाया जाए। DID News की खास रिपोर्ट।